इच्छाएं दिमाग की पूरी नहीं होती और भुगतना पूरे शरीर को पड़ता है। इस कहानी में जो अच्छी बातें हैं वो समझने की कोशिश करना, ना कि अपने हिसाब से मतलब निकालना। मैं आत्महत्या क्यों नहीं करूं, कोई कारण बताइए। गौरांग रेडी? हाँ। सेल्फ स्टार्ट? एक मिनट सर, ये थोड़ी लाइट कम हो सकती है? हाँ श्योर, इतनी ठीक है? हाँ अब ठीक है। ओके मिस्टर गौरांग, प्लीज एक्सप्लेन योर सुसाइड। हेलो चेतन यार, बहुत प्रॉब्लम चल रही है घर पे, काम पे, और श्वेता के साथ भी सब खत्म हो गया है। अच्छा ऐसा है? क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम कर, तू सुसाइड कर। अच्छा ऐसा करते हैं। यार चेतन कैसे करूँ सुसाइड? एक काम कर, रस्सी ले और लटक जा। ओके मिस्टर गौरांग, पर ये बताइए कि आपने सुसाइड क्यों किया? ये सवाल कहीं पूछा सा लगता है। हेलो चेतन। हाँ बोल भाई। क्या बोलूँ, सब उलझा पड़ा है, घर काम श्वेता, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुझे तैरना आता है? नहीं। वेरी गुड, कि तुझे डूबना तो आता ही होगा, नदी में जाके कूद जा। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? अपनी लापरवाही को ठीक करने वापस आना ही पड़ता है। क्या हुआ बेटा, परेशान लग रहे हो? क्यों, आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं परेशान हूँ? अकेले आए हो, वो भी ऐसी जगह, क्यों?
कोई साथ नहीं दे रहा है। आओ, और कुछ नहीं तो कुछ देर एक दूसरे का साथ तो निभाए। क्या हुआ, घर वाले साथ नहीं दे रहे, लड़की छूट के गई है या फिर पैसों की कमी? आपको कैसे पता? यही सारे सुख है जो हमें दुख देते। मैं मरना चाहता हूँ, अपने आप को खत्म करना चाहता हूँ, इस नदी में कूद के। आत्महत्या? पर तुम आत्महत्या क्यों करना चाहते हो? जितनी बार जवाब नहीं दोगे उतनी बार पूछा जाएगा ऐसा। किस तरह करना चाहोगा तुम? विभिन्न तरीके से, फांसी का फंदा लगा के, जहर पी के या फिर इस नदी में कूद के। मेरे पास और एक तरीका है, मैं तुम्हारी मरने में मदद कर सकता हूँ। कैसे? इतनी फिक्र है तो आत्महत्या क्यों करनी है? पागल साला। पागल नहीं हूं मैं, हालात से भागना बखूबी तुम्हें आता है, इसीलिए करना चाहते हो आत्महत्या। ये दुनिया गोल है, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं फिर से मिलूंगा। तुम्हें फिर से नहीं मिलना, जो बोलना है अभी खत्म करो। यो, यो। ऐसे ही मरने तो वाले हूं। अब बताओ क्यों मारना चाहते हो अपने आप को? एक लड़की से मेरा प्रेम था 2 साल से, फिर ब्रेकअप, मतलब हम अलग हो गए। तकलीफ हुई मुझे, मगर हैरानी तब हुई जब मुझे पता चला कि वो किसी और के साथ है। और मैं टूट गया जब मुझे पता चला कि वो आदमी 2 बच्चों का बाप है। इस बात ने मुझे झंझोर के रख दिया कि मेरा घर, मेरा काम, मेरा परिवार, मेरे दोस्त सब मुझसे दूर होते गए। इंसान को विकल्प की बहुत आदत है, इसीलिए दुख भी उन्हें चुन के चाहिए। बाबा जी, दुख हमेशा मुझे चुनता है, मैं उनका फेवरेट विकल्प हूँ। विकल्प? मेरे पास तुम्हारे आत्महत्या के लिए भी बहुत सारे विकल्प है। बहुत सारे ऑप्शन थे मेरे पास सुसाइड के, दुख मुझे चुनता रहा और मैंने सुसाइड का एक ऑप्शन चुना। कौन सा? ये लो, इसे अपने चेहरे पर और शरीर के अन्य हिस्सों पर लगा दो। मुझे ये सब नहीं चाहिए। लो, घबराओ मत, मैं कोई काला जादू नहीं करने वाला, ये सिर्फ राख है, मैं तुम्हें लूट नहीं लूंगा। और लोग तो छीनने की बात करते हैं, हम तो वो हैं जो अपना हक भी छोड़ के आए। राख, इससे अंतिम चीज क्या हो सकती है? तुम जो आत्महत्या करने वाले हो ना, इससे भी अंतिम चीज ये है। हम राख को इसीलिए हमारे शरीर पे लगा के रखते हैं ताकि किसी भी चीज पे हमारा घमंड या मोह नहीं आए। राख तक पहुंचने के लिए मरना पड़ता है, मृत्यु निश्चित है मगर उसका टाइम फिक्स नहीं होता ना। टाइम फिक्स होता है पर वो टाइम हमें पता नहीं होता। तो उसी टाइम को बस में करने के लिए मैंने भीष्म की तरह सोचा। भीष्म पितामह, जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, वो जब चाहे तब अपनी मृत्यु का समय निश्चित कर सकते थे, मुझे ऐसा कोई वरदान नहीं था। तो मैंने अपनी मृत्यु के लिए सुसाइड का रास्ता चुना, वही मेरे लिए इच्छा मृत्यु था। भीष्म ऐसे ही नहीं बना जाता, उसके लिए त्याग और कड़ी तपस्या करनी पड़ती है। मगर ये सारी तकलीफें त्याग के बराबर ही है। ये सारी तुम्हारी इच्छाएं हैं।
मगर इच्छाओं का होना गलत बात थोड़ी ना है। इच्छाओं के इच्छित परिणाम ना मिलने पर आत्महत्या करना, ये तो गलत बात है ना? मुझे तो अभी यही सही लग रहा है। तो आप ही बताइए, आपके हिसाब से क्या है, इच्छा मृत्यु या फिर दूसरे शब्दों में कहे तो आत्महत्या? तुम मूर्ख हो, तुम दोनों शब्दों को एक साथ कैसे जोड़ सकते हो? इच्छा मृत्यु वरदान था और आत्महत्या कायरता है। हमारा दिमाग अपनी बात मानने के लिए कोई पावरफुल थॉट का सहारा लेता है। सुसाइड के लिए भी सहारा? हाँ, हमारा दिमाग जो सोचता है वैसा ही सुनना चाहता है और उसी हिसाब से सवाल करता है। हेलो चेतन, यार बहुत प्रॉब्लम चल रही है घर पे, काम पे, और श्वेता के साथ भी सब खत्म हो गया। क्यों, क्या हो गया चेतन? पता नहीं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। एक काम कर, शाम को मिलकर बात करते हैं, मैं आज जल्दी आ जाऊँगा। अच्छा ऐसा करते हैं। सारा का सारा दिमाग करके दो शब्दों के बीच में अपने हिसाब से मतलब निकाल, जैसे तूने निकाला इच्छा मृत्यु और आत्महत्या के बीच का संबंध। ये एक साजिश हुई मेरे खिलाफ, मेरे ही दिमाग द्वारा। आपको ये अब मालूम है? मुझे पता था, इच्छाएं दिमाग की पूरी नहीं होती और भुगतना पूरे शरीर को पड़ता है। इच्छा मृत्यु, तूने यही अर्थ निकाला ना आत्महत्या का? तो सही अर्थ में तुम्हारी आत्महत्या या तुम्हारे शब्दों में इच्छा मृत्यु यही होगी कि हम हमारी सारी अधूरी इच्छाएं, दुख, दर्द, तकलीफों के साथ जीते चले जाए। अगर मौत से बदतर है जिंदगी और उसी जिंदगी के साथ जीते रहना, यही होती है सही अर्थ में आत्महत्या। ये दुनिया गोल है, मैं तुम्हें कहीं ना कहीं फिर से मिलूंगा। अधूरी इच्छाएं जब प्रेग्नेंट होती है तब बुरा ख्याल जन्म लेता है, तो हमारी इच्छाओं को मानना ही इच्छा मृत्यु है। ओके मिस्टर बोरा, तो आप यहां कैसे? ये दिमाग, इस दिमाग में अच्छी बातें जाती है तो बुरे ख्याल को अपने वजूद पे शक होने लगता है, और जब तक अच्छी बातें हमारे दिमाग में फिक्स हो जाए उससे पहले बुरे ख्याल की तीव्रता बढ़ जाती है और वो बुरा काम हम तुरंत ही कर देते हैं। आपको ना आपके दिमाग के ऊपर केस करना चाहिए, पर खैर वो आप अगले जन्म में कर ले। यहाँ पे तीन दरवाजे हैं, एक जहां से आप आए हैं और इन दोनों में से एक में आप जाओगे। तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है, तुम्हारी कोई भी इच्छा पूरी नहीं होगी। हर हर महादेव, अलख निरंजन। जीवन चक्र की डोर उसके हाथ में है, तू कौन होता है उसे चलाने वाला?